हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई एम श्योर अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ और आज है पार्ट थ्री एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर पार्ट थ्री विथ यू ऑल। अगर आप लोग का पार्ट वन या पार्ट टू मिस हो गया हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उसे वो दोनों पार्ट वन पार्ट टू देख लीजिए। और आज हम लोग पार्ट थ्री करने वाले। पार्ट थ्री इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट मेरा और निशु का एंगेजमेंट। हम लोग ने सेम ही साल में एंगेजमेंट किया और सेम ही साल में शादी किया। 2012 मार्च में हम लोग ने एंगेजमेंट किया गुड़ी पाड़वा के दिन, बिकॉज आप लोग को पता है पाड़वा का दिन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है, शुभ माना जाता है। तो उस दिन आपको ऐसे स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं लेना पड़ता कि ये टाइम पे ही होना चाहिए वो टाइम पे, पूरा दिन जो होता है ना बहुत शुभ होता है। सो मम्मी डैडी ने डिसाइड किया था कि हम लोग गुड़ी पाड़वा के दिन एंगेजमेंट रखेंगे, तो वी वर लाइक ओके ठीक है हम लोग कर लेंगे। और गुड़ी पाड़वा के दिन हम लोग का एंगेजमेंट हुआ और सेम ईयर 2012 नवंबर में हमारी शादी हो गई। तो हम लोग ने ऐसा ना ज़्यादा गैप नहीं रखा था, साल दो साल का एंगेजमेंट करेंगे और इतना बड़ा गैप रखने के बाद शादी करेंगे। सेम साल में ही हम लोग ने दोनों फंक्शन कंप्लीट कर लिया। एनी वेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ पूरा एंगेजमेंट का फोटोज़ है। और हम लोग ने बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा एंगेजमेंट रखा था। हम लोग निशु के घर पे गए थे और वहाँ पे ये पूरा एंगेजमेंट हुआ हम दोनों का, और बहुत ही सिंपल तरीके से रखा था। सिर्फ जो क्लोज फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर थे उनको ही इन्वाइट किया था, ज़्यादा क्राउड नहीं किया था। जितने भी बाकी जो लोग थे उनको सबको शादी में बुलाया था। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमारा एंगेजमेंट हुआ था, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा लैविश धूमधाम वाला नहीं था, बहुत ही सिंपल और एकदम अच्छे तरीके से हो गया था। और इस एंगेजमेंट में सुशांत वॉज नॉट प्रेजेंट, वो ऑन ड्यूटी था उस वक्त। तो हमको ऐसा था या तो वो एंगेजमेंट अटेंड कर पाएगा या तो वो वेडिंग कर पाएगा, तो वी वर लाइक नहीं हमको सुशांत वेडिंग में ही चाहिए। तो उसको फिर हम लोग ने फोर्स नहीं किया कि तू जल्दी आने की कोशिश कर, कुछ हम लोग का जब तेरा टाइम हो जाएगा तब तू आना, बिकॉज वेडिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, तब तो भाई होना ही चाहिए ना साथ में। तो इसके लिए ये पूरा जो फोटोज़ आप मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसमें सुशांत नहीं है। तो आप लोग ये पूरा मेरा एंगेजमेंट का जितने भी फोटोज़ है सब अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आपको इसका पूरा, क्योंकि हर फोटो के पीछे ना कोई स्टोरी होता ही है। तो ये एंगेजमेंट की भी मेरी एक स्टोरी है, तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पहले आप फोटो देख लीजिए आराम से और फिर मैं आपको आगे मिलती हूँ।
अभी मैं आप लोगों को पूरा स्टोरी बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब हम लोग का एंगेजमेंट फिक्स हो गया तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि जब भी आप कोई रिलेशनशिप को ना दिल से एक्सेप्ट करते हो कि हाँ मुझे मेरा पूरा रेस्ट ऑफ माई लाइफ इसी पार्टनर के साथ स्पेंड करना है, तो आपके अंदर एक खुशी, एक एक्साइटमेंट लेवल ना बहुत हाई होता है। तो निशू और मेरे साथ भी ऐसे थे, हम दोनों इतने एक्साइटेड थे कि फाइनली हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, शादी फिक्स हो गया है और सब कुछ अच्छे से हो रहा है, दोनों फैमिली का ओके हो गया है। तो हम लोग ने एंगेजमेंट का डेट फिक्स कर लिया, उसके बाद शॉपिंग स्टार्ट किया। तो नमिता ताई ने हम लोग को बहुत हेल्प किया एंगेजमेंट का शॉपिंग करने के लिए भी और शादी का शॉपिंग करने के लिए भी। शी रियली हेल्प्ड अस बिकॉज दोनों फैमिली न्यू थी, एक दूसरे को बहुत कम जानती थी, तो जो कम्युनिकेशन की ज़रूरत थी ना वो ताई ने हम लोग को हेल्प किया। तो एंगेजमेंट के लिए जो साड़ी की रिक्वायरमेंट थी, तो हम लोग यहाँ पे भाईंदर से और जूह से ताई के पास आए थे विरार में, और ताई ने स्पेशली टाइम निकाल के हम लोग को शॉपिंग करवाया। साड़ी हम लोग ने खरीदा मम्मी के लिए, दोनों मम्मी लोग के लिए, मेरे लिए और निशू के लिए हम लोग ने कुर्ती खरीदा लाइट गोल्डन कलर का। तो वैसे हम लोग का पूरा शादी का और एंगेजमेंट का शॉपिंग में ताई ने हेल्प किया, तो ताई थैंक यू सो मच। और उसके बाद जब मेरा एंगेजमेंट का डे था, तो एक दिन पहले मैं अच्छे से रेडी होने के लिए स्टार्ट हो गई थी, मैंने पूरा एक्साइटमेंट थी एकदम, तो दोनों हाथ में अच्छे से मेहंदी निकाला था। फिर जिस दिन एंगेजमेंट का दिन था उस दिन मैं मेरे सलोन में जाके मैंने अच्छे से मेकअप हेयर स्टाइल किया था, साड़ी भी मैं वहीं से पहन के घर पर आई, और फिर मेरे मम्मी डैडी भाई के साथ मिलके हम लोग यहाँ पे भाईंदर में आए निशू के घर पे, और फिर पूरा वो रिचुअल स्टार्ट हो गया। जो साड़ी आप ये फोटो देख, तो ये साड़ी मैंने मम्मी के घर से पहना था, मतलब आपकी मम्मी के यहाँ से आपको साड़ी दी जाती है, वो आपको पहन के ससुराल आना पड़ता है, फिर आपके इन-लॉज वो पूरा रिचुअल करके आपको दूसरी साड़ी देते, उसमें आपको चेंज करना होता है और उसमें आपकी एंगेजमेंट होती है। तो फिर हम लोग घर पर आए, उसके बाद हम लोग का रिचुअल स्टार्ट हो गया, मम्मी ने मेरी आरती करी, बाकी जितने भी जन छाया आत्या थी, नीलम मौशी थी और चित्रा काकी थी, और ऊपर वाली जो हम लोग की हथौड़ी मामी थी वो, और नमिता था, इन सब जो भी बड़े लोग थे बेसिकली उन्होंने सब ने मेरी आरती करी, मुझे मिठाई खिलाया, फिर मम्मी ने मेरी ओटी भरी, और उसके बाद एक थाली में ऐसे पूरा ना सजाया जाता है जिसमें साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज पीस होता है, शगुन का एनवलप होता है, मिठाई होता है, फ्रूट्स होता है, गजरा वगैरह जो भी देना होता है, शगुन का बैंगल का पूरा सेट मैंने बनाया था, तो वो पूरा सेट पूरा थाली मुझे दिया चेंज करने के लिए कि अभी आपको इसमें चेंज करना, फिर इसमें एंगेजमेंट करना है। और सेम वे निशू की भी, निशू को भी मेरे मम्मी डैडी ने आरती किया, उसको शर्ट पीस, पैंट पीस दिया, शगुन का एनवलप दिया, स्वीट, मिठाई, जो भी फ्रूट्स देना होता वो दिया, और उसके बाद मुझे अंदर चेंज करने के लिए लेके गए। फिर मैंने जो घर से पहनी हुई साड़ी थी वो चेंज करके, जो मम्मी ने दिया था उस साड़ी में चेंज करके मुझे बाहर लेकर आया, और फिर हम लोग का पूरा एंगेजमेंट का रिचुअल स्टार्ट हुआ, और फिर हम लोग ने रिंग एक्सचेंज किया, सब लोग ने क्लैप किया, सब बहुत खुश थे। फिर वो जो फोड़ते ना वो सब फोड़ा, आई थिंक 3-4 मेरे भाई ने और रुपेश ने मिलकर वो किया, बहुत अच्छे से हो गया। फिर एंगेजमेंट हो गया, उसके बाद जितने भी बड़े घर पे प्रेजेंट थे हम लोग ने सबका ब्लेसिंग लिया, आशीर्वाद लिया और सबके साथ फ़ोटो खींचा। तो बहुत अच्छे से वो पूरा इवनिंग, वो सेरेमनी अच्छे से, मतलब एकदम सिंपल तरीके, स्वीट एंड सिंपल तरीके से हो गया, सब बहुत खुश थे। और उसके बाद जो भी चाय नाश्ता रखा था, कॉफ़ी, जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, वो सब हम लोगों ने एंजॉय किया, और इस तरह मेरा पूरा एंगेजमेंट सेरेमनी हो गया। फिर जितने भी फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स थे सबके साथ एक 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 करके हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं एक एक पूरा फैमिली मेम्बर्स जो जो आए थे प्रेजेंट थे उनके साथ हम लोग ने फ़ोटोज़ क्लिक कर लिए, और बस वो एक अलग ही खुशी थी। तो ये पूरा मेरा एंगेजमेंट की स्टोरी थी, कैसा पूरा एंगेजमेंट हमारा हुआ। और कल जो पार्ट 4 मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो मेरा हल्दी का और वेडिंग का होने वाला है, एंड आई नो आप लोग वेडिंग का फोटो देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो। आप में से बहुत सारे जन मुझे कब से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ आपके वेडिंग की फ़ोटो शेयर कीजिए, तो फाइनली कल पार्ट 4 में मैं वो शेयर करने वाली, तो प्लीज़ पार्ट 4 को मिस बिल्कुल भी मत करना। एंड मैं मिलती हूँ आपको पार्ट 4 में। अगर आपको आज का ये पार्ट 3 पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देना, बी अ पार्ट ऑफ माई यूट्यूब फैमिली, एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। जरूर मुझे कमेंट करके बताना आज का ये एंगेजमेंट वाला वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको कल वाले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।